सहारा मैरिज हॉल मुमरा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ मुमरा के अलमास कॉलोनी के रहने वाले रहमत खान 33 वर्षीय को गिरफ्तार किया है, जबकि ये मूल रूप का रहने वाला अमरावती का बताया जा रहा है। इसके पास से तलाशी के दौरान कार में 22 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल मुमरा पुलिस स्टेशन के NDPS पथक के नितिन भोसले को जानकारी मिली कि जयेश वाइन शॉप जो दीवा में है और यहाँ पर एक नशीला पदार्थ बेचने के लिए युवक आने वाला है। मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI NV कोल्हटकर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में NDPS की टीम ने यहाँ पर घेराबंदी कर रहमत खान को पकड़ा और कार की तलाशी ली गई तो 22 किलो गांजा बरामद किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP गणेश गावड़े ने बताया कि 22 किलो गांजा, हुंडई कार, 2 मोबाइल फोन जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 5,05,000 रुपए बताई जा रही है। फरवरी 2024 को पुलिस स्टेशन मुमरा के PSI भोसले की टीम को जानकारी मिली, एक आरोपी जयेश वाइन शॉप यहां पर गांजा बेचने के लिए आने वाला है। उन्होंने ट्रैप लगाने पर एक हुंडई कार में आरोपी रहमत खान तमीज खान 22 किलो गांजा के साथ मिला, उसको अरेस्ट किया। हुंडई कार जब्त की है, उनके साथ जो 2 मोबाइल थे वो मोबाइल भी जब्त किए। आरोपी अरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है। आज उनको कोर्ट में भेजा जाएगा और उनका PCR लेकर और ज़्यादा इंट्रोगेशन करेंगे। इसमें पूरी चेन, पूरा रैकेट हम डिस्क्लोज करने की कोशिश करेंगे। आरोपी के बारे में कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स है। आरोपी अलमास कॉलोनी मुमरा का रहने वाला है, बेसिकली वो अमरावती का है। उसके बारे में और डिटेल्स हम चेक करेंगे। सिर्फ काफ़ी बड़ा माल का मतलब बड़ी रिकवरी है सर, इसके बारे में नॉर्मली रैकेट्स वगैरह कुछ पता चल रहा है आगे? इसके लिए हम ये कहाँ बेचने के लिए आया था, किसके साथ में कॉन्टैक्ट में था मुमरा में, इसकी चेन पूरी इन्वेस्टिगेशन में ढूंढी जाएगी और जो जो आरोपी उसमें इन्वॉल्व है उनको गुने में लिया जाएगा।